जय मसीह की। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का इस वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज मैं एक पुस्तक को पवित्र शास्त्र से आपके सामने रखना चाहता हूं, फिलिपियों की पुस्तक, जिसे आनंद की पुस्तक भी कहा जाता है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य साधारण शब्दों में फिलिपियों की पुस्तक क्या है, किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा और हमारे व्यवहारिक जीवन में यह किस प्रकार कार्य कर सकता है, यह आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। यह एक सीरीज होगी जिसमें 5 वीडियो होंगे, क्योंकि फिलिपियों की पुस्तक में 4 अध्याय हैं और पहला वीडियो जो यह है, इसे मैं परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में बनाना चाहता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप इन 5 वीडियो को आप निरंतर देखिए, आपको ये फिलिपियों की पुस्तक की एक पूरी रूपरेखा समझ में आएगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। संत पौलुस के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उसका पहला अध्याय पहले वचन को ही अगर हम पढ़ें, वहां पर लिखा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से और सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत, यानी संत पौलुस के द्वारा लिखी गई फिलिपियों के विश्वासियों को लिखी गई है ना। इस पुस्तक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। संत पौलुस ने पवित्र शास्त्र बाइबल में 3 मिशनरी यात्राओं को किया, सुसमाचारीय यात्राओं को, और संत पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दरमियान, अगर उसका पाश्चात्य देखना है तो प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय में हम देख सकते हैं, वो लुस्त्रा में पहुंचा अपनी उस यात्रा के दरमियान, और वहां पर उसकी मुलाकात तिमुथियुस से हुई, और ऐसा होते हुए 6 वचन को जब हम देखते हैं, वो फ्रूगिया और गलितिया के देश में होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पौलुस की इच्छा थी कि वो एशिया माइनर में जाए और परमेश्वर के वचनों की घोषणा करें, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें ऐसा करने से रोका। तब 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, वो मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें वहां भी जाने नहीं दिया। सो 2 बार पौलुस की यात्राओं को पवित्र आत्मा ने, यीशु की आत्मा ने रोक दिया। जब एक रात वो त्रोवास नामक जगह पर था तो एक दर्शन पौलुस को दिखाई दिया, प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय 9 वचन में, और दर्शन क्या था, रात को दर्शन देखा, एक मकुदूनी पुरुष खड़ा है और उससे विनती कर रहा है कि पार उतरकर मकुदूनिया में आओ और हमारी सहायता करो। संत पौलुस एक आत्मिक व्यक्ति है, उन्हें यह समझ में आ गया कि परमेश्वर की आत्मा उन्हें मकदूनिया में बुला रही है, और दूसरे दिन वो तुरंत जहाज लेकर वो मकदूनिया की ओर चल पड़े और फिलिपी नगर में पहुंच गए, जो मकदूनिया के प्रांत का एक मुख्य नगर था और इसे रोमियों की बस्ती भी कहा जाता था। ये रोमियों की बस्ती उसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहां पर जो रोमी सैनिक थे, जो रिटायर्ड रोमी सैनिक थे और जो युद्ध में अपंग हो गए थे, बड़े बड़े अधिकारी लोग, उन लोगों को रहने के लिए रोमी साम्राज्य ने इस नगर की स्थापना की थी और यहां पर वो लोग रहने लगे थे। अगर इसका पाश्चात्य हम देखना प्रारंभ करें, सो ये यूनानी साम्राज्य के अंडर में आता था यह नगर, परंतु 40 बिफोर क्राइस्ट में मार्क एंथोनी, जो एक रोमन कैप्टन थे, उन्होंने इस पर अधिकार कर लिया, और अगस्टिन सीजर ने 27 बीसी से 14 बीसी के बीच में इसे रोमी साम्राज्य में मिला लिया। तब से ये रोमी साम्राज्य के अधीन है और सैनिकों के रहने के कारण इसे रोमियों की बस्ती भी कहा जाता है। संत पौलुस उस नगर में पहुंचे और उस नगर में जब वो पहुंचे तो वहां उन्होंने सबत के दिन, आराधना के दिन, कोई परमेश्वर के भवन को प्रार्थना करने के लिए ढूंढा, लेकिन उन्हें नहीं मिला। तब वो नगर के बाहर फाटक के पास जाकर
नदी के किनारे बैठकर कुस्त्रियों को वचन सुनाने लगा। और परमेश्वर ने लूदिया नामक एक स्त्री जो बैंजनी वस्त्र बेचती थी उसके हृदय को खोला। उसने परमेश्वर के वचन को सुनना प्रारंभ किया और ये स्त्री उस फिलिप्पी नगर की कलीसिया की पहली विश्वासिन कहलाई। उसने अपने परिवार समेत बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु पर विश्वास किया और यहां से फिलिप्पी नगर की कलीसिया की स्थापना हुई। लेकिन बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा हुल्लड़ हुआ, पौलुस को पकड़ लिया गया और उन्हें कारागृह में डाला और रात के समय वो प्रार्थना करने लगे और कारागृह का जो जेलर है उसने भी प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया। तो ऐसे इस कलीसिया की स्थापना हुई। सो ये करीब 49-50 एडी की बात है, संत पौलुस के विश्वास में आने के करीब 10 साल बाद, करीब यीशु मसीह की मृत्यु के 2.5 साल के बाद संत पौलुस विश्वास में आए। उन्होंने यीशु को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा लेकिन आत्मिक दर्शनों से वो लबालब थे, भरे हुए थे। सो इस घटना के करीब 10 साल बाद, करीब 61-62 एडी में ये पत्री लिखी गई और ये पत्री कारागृह से लिखी गई जब पौलुस रोम के कारागृह में था। पौलुस ने और भी पत्रियां लिखी हैं जो कारागृह की पत्री कहलाती हैं। उनमें से मुख्य है फिलिपियों की पुस्तक, एफेसियों की पत्री, फिलमन की पत्री और कोलोसियों की पत्री। ये 4 पत्रियों को प्रिजन एपिस्टल कहा जाता है। अगर आप इसे याद करना चाहते हैं पेप्सी याद कर लीजिए, PEPC। पहला पी स्टैंड करता है फिलिपियों के लिए, ई स्टैंड करता है एफेसियों के लिए, दूसरा पी स्टैंड करता है फिलेमन के लिए और सी स्टैंड करता है कोलोसियों के लिए। जैसे आप गर्मी में पेप्सी पीते हैं जब आत्मिक रूप से आपको प्यास लगे, पौलुस की पेप्सी खोलकर इन पत्रियों को पढ़ना प्रारंभ करना, आपकी आत्मिक प्यास को पौलुस की पत्रियां बुझाना प्रारंभ करेंगी। सो ये उसका इतिहास था। अब करीब 10 साल के बाद ये कलीसिया काफी बढ़ गई और हम जब पहले वचन में देखते हैं अभी वहां पवित्र लोग हैं, अध्यक्ष हैं और सेवक हैं, यानी कलीसिया बहुत बढ़ गई। और पौलुस अभी रोम के कारागृह में है। जब फिलिपियों की कलीसिया को यह पता लगा कि उनके अध्यक्ष जिन्होंने इस कलीसिया की स्थापना की है वो रोम के कारागृह में है, तब उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने क्या किया, एक नौजवान को जो इपफ्रास कहलाता है उसे पौलुस के पास भेजा। किस लिए, कलीसिया से कुछ चंदा इकट्ठा कर और ये जानने के लिए कि पौलुस उस कारागृह में कैसी परिस्थितियों में जी रहा है, ये जानने के लिए एक नौजवान अध्यक्ष जो कलीसिया का अध्यक्ष था उसे इपफ्रिदीतुस नामक एक नौजवान को वहां भेजा गया और वो लंबी यात्रा कर पौलुस के पास आया। और पौलुस के पास पहुंचकर उसने इस भेंट को जो कलीसिया ने इकट्ठा किया था पौलुस के हाथ में दिया और उसने बताया कि कलीसिया की किस प्रकार वृद्धि हो रही है। और जब ये लोग बात कर रहे थे पौलुस बहुत आनंदित हो गया क्योंकि शायद उसे वो सारी बातें स्मरण आने लगी कि किस प्रकार उस मकुदुनिया के दर्शन के द्वारा वो फिलिपी में पहुंचा और किस प्रकार लूदिया और उसका परिवार विश्वास में आया। वो नाटकीय घटनाक्रम कि एक दासी के उद्धार पाने के बाद उसे कारागृह में डाला गया और कैसे रात के समय कारागृह का जो जेलर है उसने भी प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, ये सारी घटनाएं शायद पौलुस को स्मरण आई होंगी। और जब इपफ्रादीतुस ने जब सारी बातें पौलुस को बताई, पौलुस ने जवाब में एक पत्र लिखा फिलिपियों की कलीसिया के लिए और उसी पत्र को हम फिलिपियों की पुस्तक के नाम से जानते हैं। यानी ये पुस्तक इपफ्रादीतुस के सामने बैठकर पौलुस लिख रहा है। जब इस पत्री को हम पढ़ेंगे ये बहुत ही आनंद की पत्री है। इसका शीर्षक, इसका जो थीम है वो है प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। जब इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं हम 9 बार आनंद, रिजॉइस शब्द को देखते हैं। उसका 1 अध्याय 4 वचन, 18 वचन, 25 वचन, 2 अध्याय 2 वचन, 28 वचन, 3 अध्याय 1 वचन,
चार अध्याय एक वचन, चार वचन दस वचन, नौ जगहों पर रिजॉइस आनंद आनंद को बताता है। और इस पुस्तक का जो खास उद्देश्य है, पौलुस ये बताना चाहता है कि जीवन की जो कठिनाइयों के बीच में किस प्रकार परमेश्वर आनंद को उत्पन्न कर सकता है, ये इसका मुख्य शीर्षक है। पौलुस जेल खाने के अंदर बैठा है और क्या कहता है, प्रभु में आनंदित रहो। अगर हम जेल खाने में होंगे, हम क्या लिखेंगे लोगों को? हम लिखेंगे जल्दी से वकील का इंतजाम करो, मुझे बाहर निकलना है, कैसे भी मुझे निकालो। लेकिन पौलुस उस कारागृह के अंदर आनंद को अनुभव कर सकता है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, इस पत्री के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर इस संसार में आनंद को खोज रहे हैं, आपका आनंद थोड़े समय के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप संसार की चीजों में आनंद ढूंढ रहे हैं। एक नया मोबाइल खरीदा, आनंदित हो गए। नई कार खरीदी, बहुत खुशी हुई। नया घर बनाया, बहुत आनंदित हुए। लेकिन जब मोबाइल पुराना हुआ, आपका आनंद भी दूर हो गया। जब घर का पेंट उतर गया, आपकी खुशी भी दूर हो गई। यानी संसार की जो नाशवान वस्तुएं हैं, जब वो पुरानी पड़ती जाती हैं, हमारा आनंद भी खत्म हो जाता है। एक भाई पिछले दिनों थाईलैंड घूमने गए, बहुत आनंदित थे। लेकिन जब वापस आए, मैंने उनसे पूछा, आप कैसा रहा? उन्होंने कहा, बहुत ही अच्छा ट्रिप था, बहुत आनंदित थे हम लोग। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मेरी मुलाकात हुई, वो बड़े दुखी लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि उस थाईलैंड के ट्रिप को करने के लिए उन्होंने क्रेडिट कार्ड से पैसा उधार लिया। अब वो चुकाते चुकाते उनकी हालत खराब है। यानी आनंद दुख में बदल गया। लेकिन पौलुस का आनंद देखिए, पौलुस क्या कहना चाहता है कि ये जो आनंद है, बाहर की वस्तुओं से अंदर नहीं आता, लेकिन जो अंदर है उससे बाहर निकलता है। और अंदर क्या है? मसीह यीशु है। अगर आपके हृदय में मसीह यीशु है, आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में आनंद को उत्पन्न कर सकते हैं, आनंद को अनुभव कर सकते हैं। और पौलुस यही इस पत्री में बता रहा है। और जब हम इसको पढ़ेंगे, पौलुस ये बताना चाहता है, मसीह हमारे जीवन में, मसीह हमारे मनों में, मसीह हमारे जीवन का लक्ष्य, मसीह हमारा बल, जॉय इन द लॉर्ड। सो जब हम इस पुस्तक को आगे पढ़ेंगे, मैं प्रभु में आशा करता हूं कि यह पुस्तक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको समझने में प्रभु सहायता करे। और वही आनंद जिसको पौलुस अनुभव कर रहा है, आप भी अपने जीवन में अनुभव कर सके। एक खूबसूरत पुस्तक, आनंद की पुस्तक, चार और वीडियोस में एक एक अध्यायों को जब हम पढ़ेंगे, मैं प्रभु में आशा कर रहा हूं प्रभु हमसे बात करे और ये आनंद और ये शांति हमारे हृदयों में वास करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर आज कोई दुख में है, निराशा में है, अपने जीवन का आनंद खो चुके हैं, आपको पौलुस की ये पत्री पढ़ने की आवश्यकता है। स्वर्गीय पिता, आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आपका अनुग्रह का हाथ आप उनके साथ रखिए। और ये पत्री जो फिलिपियों की पत्री है, जो वास्तव में आनंद की पत्री है, प्रतिकूलताओं के बीच में भी पौलुस आनंद को अनुभव कर रहा है, हमें भी उसी आनंद की अनुभूति होने दें। आज ये वचन सुनने वाले प्रियजन, अपने जीवन की निराशाओं को भूलकर, दुख तकलीफों को भूलकर, आप में आनंदित हो सके प्रभु जी, मसीह में आनंदित हो सके। और ये पत्री हम सबके लिए एक आशीष का कारण बने। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आने वाले दिनों में इस वीडियो का जो कंटिन्यूएशन है, आप उसको जरूर देखिए, एक एक अध्यायों को पढ़कर हम परमेश्वर की महिमा कर सके। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।